साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं जयवर्धन राय। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक अपील। कोरोना महामारी से बढ़ते हुए संक्रमितों की संख्या को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। जिलाधिकारी के निर्देश पर जनपद के विभिन्न सरकारी, देशी व विदेशी मदिरा की दुकानों पर की गई चेकिंग। एडीएम फाइनेंस ने जनपद में जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 7 वर्ष पूरा होने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने नगर विधायक की मौजूदगी में रक्तदान शिविर का किया आयोजन। एडीएम सिटी व नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने शहर का भ्रमण कर जल जमाव की स्थिति का लिया जायजा। होराबार थाने की पुलिस ने मुठभेड़ में 3 शातिर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। अवैध तमंचा व कारतूस भी किया बरामद। 7 जन्मों का वादा कर महज 1 माह में ही दुल्हन अपने पति के घर से नकदी और जेवर लेकर बॉयफ्रेंड के साथ हुई फरार, पुलिस जांच में जुटी। गोला पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर 800 ग्राम से अधिक गांजा व 1 मोटरसाइकिल की बरामद। नहीं थमा यास का कहर, लगातार बारिश और तेज हवाओं ने आम जनजीवन को किया प्रभावित। एडिशनल सीएमओ ने दी जानकारी, कहा जनपद के 80 जगहों पर लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप। और पुलिस अधीक्षक यातायात ने कहा जनपद में विभिन्न समस्याओं के निस्तारण के लिए डायल 112 का किया जा रहा है प्रचार प्रसार। जिलाधिकारी के निर्देश पर जनपद में विभिन्न सरकारी, देसी व विदेशी मदिरा की दुकानों पर एसडीएम सदर कुलदीप मीणा के नेतृत्व में औचक चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान अवैध शराब की बिक्री व अन्य मांगों का गहनता के साथ निरीक्षण किया गया। इस दौरान क्षेत्राधिकारी कैंट राहुल भाटी, क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ रितेश सिंह, आबकारी निरीक्षक सेक्टर 2 राकेश कुमार त्रिपाठी सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए एसडीएम सदर कुलदीप मीणा ने बताया। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश अनुसार आज लगभग सभी शराब की दुकानों पे हम लोग चेकिंग कर रहे हैं, तो पूरा थोरो चेकअप किया गया है। जैसे आपने अभी देखा
तो लगभग जो मॉडल शॉप अभी चेक की गई है उनमें कोई भी अनियमितता नहीं पाई गई। बाकी मेरे साथ और भी टीम है जो सदर तहसील के अंदर चेक कर रही है। सुबह से एज सच अभी तक कोई ऐसा मेजर इशूज नहीं पता चल रही है। इसमें कि किसी तरीके की कोई अवैध शराब तो नहीं पाई गई है। जितना स्टॉक हमारे यहाँ पे पड़ा है वो हमारे ही गोदामों से निकला है, कोई बाहर का स्टॉक तो नहीं आ गया है। इलिसिट लिक्वर बेसिकली नहीं होनी चाहिए, तो इस संबंध में चेकिंग की जा रही है। जहरीली शराब को लेकर भी लगा यही इलिसिट लिक्वर जहरीली शराब जो है उसी के लिए हमने चेकिंग करी है कि कहीं कोई भी ऐसा स्टॉक दुकानों पे तो नहीं है जो कि हमारे गोदामों से नहीं आया है। जनपद में जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत 660 ग्राम पंचायतों में ओवरहेड टैंक के माध्यम से जल संचय करने की योजना तैयार की जा रही है। इसी क्रम में एडीएम फाइनेंस आरके सिंह के नेतृत्व में संबंधित अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक कर योजना को जल्द से जल्द क्रियान्वयन करने का निर्देश दिया गया। अगर 900 मीटर भी अवेलेबल नहीं हो रहा है ठीक, तो पहला तो ये है कि 900 अवेलेबल हो जाए आप उतनी दे दें। अगर आपके पास 200-300 भी हो जाए तो इस कार्य के लिए ठीक है साहब, हमने इतनी जमीन तो अवेलेबल करा दी है, एक बार गाड़ी को आगे बढ़ा दें। 50 एकड़ मांग लेती है, 50 एकड़ में बनती थोड़ी है यूनिवर्सिटी। तो गवर्नमेंट जब अपना प्लान शुरू में डिजाइन करती है तो उसको ये लगता है जो बंदा वेल भी लगा है उसका आवास भी बना है और ओवरहेड टैंक भी खड़ा है, तो हो सकता है इस योजना में क्या ये सब और उसी खलिहान में अब हमने एक प्रोजेक्ट पास किया है पूरा विस्तार करना से कौन आपत्ति करेगा। इसलिए है कि जल ही जीवन है, वायु ही जीवन है। खलिहान में तब हम कोई काम करेंगे जब जमीन क्लियर कट मिल जाए। गांव के आसपास में आपको 132 की ही जमीन मिलेगी। हम इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस आरके सिंह ने बताया, आज जो बैठक की गई है जनपद में जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत 660 ग्राम पंचायतों में ओवरहेड टैंक, बोलचाल की भाषा में पानी की टंकी लगनी है, उसमें लगभग 900 मीटर जमीन की आवश्यकता है। चूंकि जल हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, इसलिए तहसीलदार साहबान को और कंपनी के लोगों को बुला करके एक समन्वय बैठक कराई गई और अगले 3-4 दिनों में युद्ध स्तर पर कार्य करके 660 ग्राम पंचायतों में आवश्यक भूमि उपलब्ध करा दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 7 वर्ष पूरा होने पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा वृहद पैमाने पर रक्तदान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में धर्मशाला स्थित जड़ाशंकर गुरुद्वारा पर नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल की देखरेख में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लेकर अपने रक्त को दिया। इस वैश्विक महामारी के बीच यह रक्त संक्रमित और अन्य गंभीर रूप से बीमार मरीजों के इलाज में काम आएगा। इस दौरान पंजाबी अकादमी के सदस्य जगनैन सिंह नीटू, ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर एस के यादव, सामाजिक कार्यकर्ता जसपाल सिंह सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने बताया, सर भारतीय जनता पार्टी के हमारे सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के 7 साल पूरे होने के अवसर पर हम लोगों ने यह तय किया कि सेवा ही संगठन है और इस दृष्टि से हम एक सप्तदिवसीय सेवा कार्य प्रारंभ कर रहे हैं। आज इसी अवसर पर हम लोगों ने एक रक्तदान शिविर आयोजित किया है और सिर्फ हम लोगों ने एक सोशल मीडिया पर सूचना दे दी थी और इस भारी बारिश के बीच में भी जिस प्रकार से हमारे
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, अपने गोरखपुर समाज के सिख बंधु और सामान्य नागरिक भी जिस उत्साह के साथ आज आ रहे हैं और रक्तदान कर रहे हैं, यह चीज़ें बहुत उत्साहित करती हैं। रक्त का बड़ा जीवन में महत्व है और आज आप जब एक यूनिट ब्लड करते हैं डोनेट, तो वास्तव में चार मरीजों के जीवन की रक्षा करने का काम करते हैं। किसी के लिए आप प्लाज्मा देते हैं, किसी के लिए आप प्लेटलेट देते हैं, किसी को आप कॉन्सेंट्रेटेड पैक्ड आरबीसी देते हैं और किसी को होल ब्लड देते हैं। हम लोग इस अवसर पर जिला अस्पताल के लिए आभारी हैं, उनके चिकित्सक अमित श्रीवास्तव जी के नेतृत्व में यहाँ आए हुए हैं। ये लोग खून भी लेते हैं, उसकी जांच भी करते हैं और यदि किसी ने आज खून दिया है तो उसको एक कार्ड दे करके गारंटी भी देते हैं कि यदि उसको कभी ज़रूरत पड़ती है अपने किसी परिचित के लिए, उसके अपने के लिए नहीं, किसी परिचित के लिए भी, तो उस कार्ड पर उसको रिप्लेसमेंट बिना डोनेशन न हो तो भी मिल जाएगा। चक्रवाती तूफान यास की वजह से लगातार हो रही बारिश से जहां आम जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित है, वहीं शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जल जमाव की समस्या से भी लोग त्रस्त हैं। ऐसे में एडीएम सिटी आर के श्रीवास्तव ने नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुकेश रस्तोगी के साथ शहर के विभिन्न नालों का निरीक्षण कर जल्द से जल्द साफ सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया, जिससे आम जनमानस को जल जमाव की समस्या से निजात मिल सके। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए एडीएम सिटी आर के श्रीवास्तव ने बताया, ये असामयिक बारिश है, तीन दिन से आज तीसरा दिन है, दो दिन में काफ़ी पानी बरसा, आज सुबह तक बरसा है, तो मैं अब ये देखने निकला हूँ कि जल भराव की स्थिति शहर की क्या है और कहाँ कहाँ पर एक्स्ट्रा पंप्स लगा के हम लोग पानी जल्दी निकाल के जनता को राहत दे सकते हैं। मेरे साथ डॉक्टर रस्तोगी भी हैं नगर निगम के, हम लोग ज्वाइंट विजिट पर निकले हैं। जनपद में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के निर्देश पर अपराध व अपराधियों पर अंकुश लगाए जाने के क्रम में खोराबार थाने के पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मुठभेड़ में तीन शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें अपराधी शिवचरण के ऊपर खोराबार थाने में विभिन्न मामलों में कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने इनके पास से तीन अवैध तमंचे कारतूस को भी बरामद किया है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार ने बताया, आज दिनांक 29/5/2021 को सुबह 9:30 मुखबिर की सूचना पर प्रभारी निरीक्षक खोराबार और उनकी टीम ने जंगल राम नकना दुर्गा मंदिर के पास से तीन अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके नाम है विजय राजभर, सन ऑफ चंद्रकांत राजभर, धर्मेंद्र निषाद, सन ऑफ श्री राम निषाद और शिव शरण है पुत्र छेरी। इनके पास से तीन अदद अवैध तमंचा 315 बोर, तीन अदद जिंदा कारतूस, एक अदद खोखा कारतूस बरामद हुआ है। पूछताछ के बाद ये पता चला कि ये लोग ही वो थे जिन्होंने कुछ दिन पहले फोटो खींचकर और वीडियो बनाकर तमंचे के साथ वायरल किया था। इस क्रम में थाना कोराबार पे चार मुकदमे पंजीकृत हुए हैं, 285/21 धारा 307, 286/21 धारा 3/25 आमसेट, 287/21 धारा 3/25 आमसेट और धारा 288/21 3/25 आमसेट। सात जन्मों का वादा कर महज एक माह में ही दुल्हन अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपने पति के घर से जेवर व नकदी लेकर फरार हो गई। यह हैरान कर देने वाला मामला राजघाट थाना क्षेत्र के तुर्कमानपुर पटवारी टोले के रहने वाले मनीष कुशवाहा का है, जिनका विवाह 27 अप्रैल को जाफरा बाजार की रहने वाली लड़की से पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ हुआ था। 27 मई की देर रात दुल्हन अपने पति के घर से लगभग 15 लाख रुपए के जेवर और नकदी लेकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ फरार हो गई। सुबह जब परिवार वालों की नींद खुली तो घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में देखा तो पूरा मामला प्रकाश में आया।
परिवार वालों ने डायल 112 को बुलाकर मामले की जानकारी दी और इस संबंध में कार्रवाई करने के लिए उन्होंने थाना राजघाट में तहरीर भी दी है। इस संबंध में पीड़ित दुल्हा मनीष कुशवाहा व क्षेत्र अधिकारी कोतवाली विमल कुमार सिंह ने बताया। मामला ये है कि 27 अप्रैल को मेरी शादी हुई थी और उसके बाद मैं अपने बीवी को लाए थे, खुशी से शादी ब्याह सब किए हैं और उसके बाद एक आध महीने के अंदर हम रखे और उसके बाद हमको शक हुआ। वो हमसे मोबाइल से बात कर रही थी, मैं उनका मोबाइल छीन लिया और छीनने के बाद मुझको शक हुआ और 27 तारीख को रात में ये जेवर और गहना लेकर ये 1:30 बजे रात को गायब हो गई। तो जाफरा बाजार पुल के नीचे वो एक लड़के के साथ भागी हुई है। कैसे पता चला आपको? मैं पता उसके घर वाले से कराए। अच्छा। उसके घर वाले से पता कराए, सीसी कैमरा टीवी भी लगाया है और जब वो रात को 1:30 बजे भागी है तो हम लोग सीसी कैमरा में अपने घर पर देखे हैं। उन्होंने एक थाने प्रार्थना पत्र दिया था कि मेरी एक महीने पहले शादी हुई थी, मेरी पत्नी रात में बगैर बताए घर से निकल गई है। तो इस पर क्या कार्रवाई सर आपकी? प्रार्थना पत्र दिया, उसकी जांच की जा रही है, उचित कार्रवाई की जाएगी इसमें। सर कौन थे कुछ पता चला? जांच की जा रही है। कुछ पूर्व के परिचित हैं उनके, उसी पर शक है, उसकी जांच की जा रही है। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा, आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। हाय, मैं विशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन, मैं हूँ दिव्या दत्त। हेलो गाइज, मैं दिलजीत दोसांझ, आप देख रहे हैं सिटी वन गोरखपुर का नंबर वन चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। हाय मनमीत, हाय मनमीत विद मीत ब्रोस, और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आइए देखते हैं दिनभर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जनपद में चलाए जा रहे अपराध व अपराधियों के खिलाफ अभियान के क्रम में गोला पुलिस की टीम ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने उनके पास से 800 ग्राम से अधिक गांजा व एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अरुण कुमार सिंह ने बताया। गोला थाना क्षेत्र के गांव खोपा पार से 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, जिनके पास से एक मोटरसाइकिल स्प्लेंडर बिना नंबर की बरामद हुई है और NDPS में 865 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। इसके आधार पर इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, गिरफ्तारी हो चुकी है, माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। सर इनका पुराना भी कोई आपराधिक इतिहास है? अब इनका आपराधिक इतिहास वगैरह ये सारी विवेचना का विषय है कि इनकी छानबीन की जाएगी कि इनके पिछले क्या रिकॉर्ड्स हैं।
फिलहाल अभी जो थाने से जितनी जानकारी मिली है वही। तूफानों से घिरी मई दनादन रिकॉर्ड तोड़ रही है। एक महीने में दो बड़े तूफान के कारण 121 साल का बारिश और तापमान का रिकॉर्ड टूट गया है। अब तक के सर्वाधिक ठंडी मई के साथ यह महीना सर्वाधिक बारिश वाला भी रहा है। पहली बार मई में 315 मिलीलीटर से अधिक बारिश हुई है, जबकि तीन दिन बाकी है। पहली बार ही अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। मई माह में गोरखपुर समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश में दो तूफान झेले हैं। पहले अरब सागर से उठे तूफान ताउते ने मौसम का मिजाज बदला और अब बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न यास ने। बुधवार की रात से प्रभावित इस चक्रवाती तूफान के चलते गुरुवार के दोपहर से तेज बारिश का शुरू हुआ सिलसिला शनिवार में भी दिन तक जारी रहा। अभी भी यह सिलसिला एक दो दिन तक जारी रहेगा। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया, जैसा कि पहले से जो हम लोग को IMD द्वारा सूचनाएं प्राप्त होती रही हैं, जो अलर्ट्स प्राप्त होते रहे हैं, तो 27, 28, 29 जो तिथियां रहीं उसमें बारिश की संभावनाएं पहले से व्यक्त की गई थी, तो बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं। धीरे धीरे रुक रुक करके हल्की फुल्की वर्षा होती रहेगी, जो कि संभवतः आज और कल भी ये स्थिति रहे, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे मौसम सामान्य होता जाएगा। और अभी ऐसी कोई बहुत तेज वर्षा या कुछ इस तरह की कोई सूचना, कोई नौकास्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। लगातार हो रही बारिश में अब तक कहीं कोई अपनी सूचना सुनने को मिली? कुछ तहसीलों में जैसे खजनी में, चौरी चौरा में कुछ कच्चे मकान आंशिक रूप से क्षति हुए हैं, जिसकी रिपोर्ट संबंधित तहसील द्वारा तैयार की जा रही है। जैसे ही रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगा, उन्हें राज्य आपदा मोचक निधि गाइडलाइन के अनुसार उन्हें जो भी अनुमान्य सहायता होगी वो दी जाएगी। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से जनपद को मुक्त करने के लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन कर रहा है। इसी क्रम में शनिवार को जनपद में 80 विभिन्न स्थानों पर वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 42 कैंपों पर 18 वर्ष से अधिक के लोगों का वैक्सीनेशन किया गया। आज का डेट इससे बड़ा है, आज वहाँ जाइए, पता कर लीजिए। Thank you.
इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए एडिशनल सीएमओ डॉक्टर नीरज पांडे ने बताया, कुल 80 जगह पर बूथ हमारे चल रहे हैं। इसमें 42 बूथ आपके 18 प्लस वाले हैं और बाकी 45 प्लस के हैं। कितने लोगों का लक्ष्य रखा है? 18 प्लस में अभी भी हमने 10,550 का लक्ष्य रखा है। 6 बूथ हमने अभी सेकेंड डोज लगा रहे हैं वहाँ, जिन लोगों को 1 मई को पहला टीका लगा था, और बाकी 45 प्लस में हम लोग आज 5,000 का लक्ष्य लेके चल रहे हैं। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बीच किसी भी समस्या से निजात पाने के लिए आम नागरिक डायल 112 पर अपनी समस्या को बताकर उसका समाधान प्राप्त कर सकता है। इसको लेकर जनपद पुलिस शहर के मुख्य चौक चौराहों पर बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर के माध्यम से डायल 112 नंबर के प्रचार प्रसार में लगी है, जिससे इसका ज्यादा से ज्यादा लोग लाभ उठा सकें। वहीं डायल 112 के माध्यम से लोग कालाबाजारी की समस्या से भी निजात पा सकते हैं। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक यातायात RS गौतम ने बताया, गोरखपुर के नागरिक किसी भी आकस्मिक परिस्थिति में डायल 112 की जो PRVs हैं, टू व्हीलर फोर व्हीलर की सेवाएं ले सके। इस संबंध में मुख्य मुख्य चौराहों पर, स्थलों पर होर्डिंग्स, पोस्टर्स और बैनर्स लगाए गए हैं, जिससे कि समस्त नागरिकों को 112 की सुविधा प्राप्त हो सके और किसी भी परिस्थिति में 112 को डायल करके और सुविधा ले सके। सर, कालाबाजारी को भी रोकने के लिए कितना कारगर साबित होगा? जितनी भी तरह की उनकी समस्याएं हो सकती हैं उस संबंध में वो 112 में सूचना दें और 112 की मोबाइल जो है पहुंच करके मौके पर कार्रवाई करेगी, और जिन कार्रवाइयों को स्वयं नहीं कर सकती है तो संबंधित एजेंसी को भी ट्रांसफ़र करके और कार्रवाइयां संपन्न कराई जाएंगी। दिन भर में बस इतना ही, आइए नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। जिलाधिकारी के निर्देश पर जनपद के विभिन्न सरकारी देशी व विदेशी मदिरा की दुकानों पर की गई चेकिंग। एडीएम फाइनेंस ने जनपद में जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 7 वर्ष पूरा होने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने नगर विधायक की मौजूदगी में रक्तदान शिविर का किया आयोजन। एडीएम सिटी व नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने शहर का भ्रमण कर जल जमाव की स्थिति का लिया जायजा। होराबार थाने के पुलिस ने मुठभेड़ में 3 शातिर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, अवैध तमंचा व कारतूस भी किया बरामद। 7 जन्मों का वादा कर महज 1 माह में ही दुल्हन अपने पति के घर से नकदी और जेवर लेकर बॉयफ्रेंड के साथ हुई फरार, पुलिस जांच में जुटी। गोला पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर 800 ग्राम से अधिक गांजा व 1 मोटरसाइकिल की बरामद। नहीं थमा यास का कहर, लगातार बारिश और तेज हवाओं ने आम जनजीवन को किया प्रभावित। एडिशनल सीएमओ ने दी जानकारी, कहा जनपद के 80 जगहों पर लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप। और पुलिस अधीक्षक यातायात ने कहा, जनपद में विभिन्न समस्याओं के निस्तारण के लिए डायल 112 का किया जा रहा है प्रचार प्रसार। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे हमें इजाजत। साईं प्रणाम।